हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी सेल्फ हेयर कटिंग आपके सामने ले आई हूँ। तो ये मैं फेदर विथ स्टेप मल्टी स्टेप ये हेयर कटिंग करूँगी, उसमें बॉक्स भी आएंगे और लेयर भी आएंगी। लेकिन मैं खुद अभी देखिए, मैं ईयर टू ईयर सामने निकाल के एक ट्विस्ट करके ये थोड़े से निकाल लूँगी। ये देखिए, और मेरे थोड़े जो नीचे पहले वाले कांटे हैं वो ऐसे रहेंगे, उसके बाद मैं बीच में से मांग ले लूँगी। और मैं है ना खुद के हेयर खुद ही काटती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे, तो सोचा कि चलो मैं थोड़ा ट्रिमिंग साल में एक बार तो करती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं करती, साल में एक बार ही काटती हूँ। तो मेरे बढ़ जाते तो बढ़ मुझे बहुत गर्मी हो जाती है, और मैंने कभी अपने ज़्यादा लंबे बाल नहीं रखे। शादी के पहले से मेरे स्टेप कटिंग ही थी, तो इसलिए मुझे अजीब सा लगता है। फिर मैंने बीच में से आईब्रो के पास से दोनों साइड से मैंने बाल निकाले और उसमें ट्विस्ट करके मैं थोड़े से काट लूँगी। आपको थोड़ा हिल रहा होगा तो माइंड मत कीजिएगा, ये डिंकी ने मतलब इधर उधर हो रहे थे और इधर बीच में थोड़ी डिस्टर्ब भी हो गए थे, तो इसलिए। और अब मैं ये पूरा लेके इसको एक सीजरिंग टाइप एक सामने फेदर रूप दे दूँगी। ईयर टू ईयर पीछे के मैंने बांध लिए हैं, और ये देखिए आपको दिख रहा है ना, स्लाइडिंग कर लूँगी और इधर से भी वैसे ही कर लूँगी। तो ये सब देखिए कितना सुंदर लुक आया है। और ये खुद के बाल काटना मतलब बहुत डिफरेंट रहता है, और मुश्किल ये तो दूसरे कोई भी काट दे सकता है, लेकिन खुद के बाल जब काटने बैठते हैं ना तो थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है। तो ये मैं सामने, और एक हाथ से तो बनता है, दूसरे हाथ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये देखिए मैंने वहीं पे वो लिए है, और जितना एक्स्ट्रा है वो मैं काट रही हूँ। इसको मैं फेदर रूप दे रही हूँ, और पहले वाले मैंने इसके पहले जो काटे थे वो बॉक्स कटिंग थी और बहुत अच्छी दिख रही थी। इसके बाद देखिए कितने पतले हेयर हो रहे मेरे, और मुझे है ना मेरे बाल से बहुत प्यार है। मेरे मतलब मुझे बचपन से मेरे बाल इतने घने थे और अभी पतले पतले हो रहे, तो बहुत अजीब सा लगता है। और इसलिए ज़्यादा बढ़ाती नहीं, और जैसे मेरे बढ़ने लगते हैं तो थोड़े हेयर फॉल हो जाते हैं। फिर मैं इसका ट्रीटमेंट भी करती हूँ, और मेरे पास है वो ये भी हो जाता, लेकिन इस बार ज़्यादा ही हो रहा था। और देखिए फिर मैंने बीच में से मांग पीछे से पूरे बाल ले लिए हैं, और उसमें मिलाते हुए मैं काट लूँगी। ये देखिए आप देख सकते हो थोड़ा हिल रहा है, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डिंकी बना रही थी और सामने सामने आके मैं ऐसे ऐसे हो रही थी तो वो बना रही थी। अब मैंने पूरे पीछे कर लिए, और मैं अभी ऊपर से टेंपल एरिया जो आईब्रो के पास से ये उठाऊँगी और थोड़े पूरे गोल राउंड में, और ये मैं सामने आके काटूँगी, क्योंकि है ना ऊपर हाथ में ऊपर ले जाऊंगी फिर नीचे आके मैं काट लूँगी। तो बिल्कुल ईजी वे मैंने आपको बताया है फेदर विथ स्टेप कट विथ मल्टी स्टेप। तो आप देखिएगा, बस मेरे पहले कटे थे, तो जितना आप जिसमें कभी आपने कोई स्टेप नहीं दी उस पर भी आप कर सकते हो। उसके बाद मैं बीच में से और लूँगी जो टेंपल एरिया है, टेंपल एरिया से और लूँगी, फिर ईयर तक ले जाऊँगी, फिर नेक एरिया से लूँगी, फिर तो इस टाइप का करूँगी और फिर नीचे के वैसे रख दूँगी। तो देखिए मेरे कितने अच्छे स्टेप आ गए ना। अब मैं ईयर के पास से उठा रही हूँ पूरे गोल राउंड, और बिल्कुल मेरे काटे रहते हैं ना तो मेरी पूरी जो क्लीन लाइन है ना वो क्लीन हो जाती है, क्योंकि पता है मुझे कि मैं कैसे। और देखिए अब कितना लुक बाउंसी लग रहा है ना, आपको दिख रहा है, क्योंकि इसके पहले आपने देखा कितने ये थे। और खुद के बाल काटना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, और मेहनत भी बहुत लगती है। तो वीडियो भी मैं बनाती हूँ आपके लिए, ताकि आपको और मतलब अच्छे अच्छे थोड़ा मनोरंजन हो ये हुए, तो इसलिए आप है ना मेरे वीडियो ज़रूर देखा कीजिए। तो यही रिक्वेस्ट करती हूँ बार बार मैं आपको। और ये देखिए मैंने और ईयर के पास से थोड़े उठाए, जितना आपको मतलब देना है स्टेप देना, मतलब ज़्यादा आप शोल्डर से ऊपर नीचे ही रखा करो, तभी जाके, नहीं तो क्या करली हेयर में थोड़े ऊपर हो जाते, और मेरे थोड़े करली हेयर ही है। तो आज मैंने वॉश किए थे, तो सोचा कि चलो आपके साथ ये कर लूँ। तो अब मैं पूरे उठा लूँगी, और मैं इसको फ्लावर कट दे रही थी, लेकिन थोड़ा मुझे अनइवन सा लगा था, दे दिए मैंने इसमें फ्लावर कट भी दे दिए थे। फिर भी ये देखिए थोड़ा थोड़ा लेके जितना मेरे से बनता है उतना मैंने कर दिया था। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने आखिरी में फ्लावर कट दे दिए, और लुक देखिएगा आप बताइएगा कैसे हुए, तो ज़रूर बताइएगा। और जितना हो रहा है उतना मैं कर रही हूँ, बाकी मैं नीचे उतार के करूँगी। तो देखिए बहुत कैची लगने का भी डर रहता है, बहुत रिस्क रहता है, तो इस टाइप का मैंने किया है। आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो, लेकिन मैंने खुद ही अपने काटे, क्योंकि मेरे हाथ से खुद से मैं काटूँ तो मेरे बाल है ना अच्छे बढ़ते हैं। तो ये देखिए कैसा लग रहा है, आप बताइएगा ज़रूर गाइज कैसा बना। और देखो पहले वाले मेरे रुक में थोड़ा पतलापन घनापन, और अभी देखिए कितना स्टेप लग रहा है ना, लग रहा है ना कि मैंने दूसरे से काटे है। और फाइनल वाला लुक मेरा ये है, तो ये देखिए फाइनल लुक मेरा कितना सुंदर दिख रहा है। तो गाइस कैसा लगा ज़रूर
मतलब ये करिएगा कमेंट्स, और लेंथ भी कम नहीं हुई मेरी और स्टेप भी बहुत सारे आए हैं। देखिए मैंने अपने हेयर खुद से काटे और देखिए बिल्कुल परफेक्ट प्रोफेशनल, जैसे जैसे मैं पार्लर में जाके आप लोग काटते हो वैसे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी घर में इमरजेंसी आ गई और अपन को जाना है, तो ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा और बहुत ईजी, बस 10 मिनट लगे मुझे काटने में। और मेरे बिल्कुल पहले काटे थे वही, तो बस आज थोड़े मैंने इस पर फ्लावर कट दे दी और थोड़ी फेदर लुक दे दी, तो आप देख आप बताइएगा। मैं तो खुद बोलूँगी कि मैंने अच्छे काटे, लेकिन आप बताइएगा। और इस टाइप के मैंने बाल काटे हैं, तो आप ज़रूर मेरे बालों मतलब हेयर को बताइएगा मैंने कैसे काटी, अच्छी है कि ये है। देखिए मतलब लेंथ कम नहीं हुई है, बस स्टेप डाली है इसमें, थोड़ी सी जो पूछ पूछ थी वो काट दी, बाकी उस स्टेप मैंने बहुत सारी डाली है, कल दिखेंगी वो। तो आप ज़रूर बताइएगा कैसे बना है ये। और गाइस लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और सेल्फ कट है, मैं खुद ही खुद मतलब खुद के बाल मैं हमेशा खुद ही काटती हूँ। मैं पार्लर में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है जाना, मैं ना आईब्रो पार्लर में करती हूँ ना फेशियल, लेकिन क्या है कभी कभी इमरजेंसी में जाना भी पड़ता है, ये नहीं है। खुद का फेशियल अपन कितना भी अच्छे से करो लेकिन वो ग्लो नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ। तो ऐसी नौबत ही नहीं आनी पड़ी कि मुझे पार्लर में जाके करना पड़ेगा, ऐसा आएगा तो जा भी सकती हूँ, ऐसा नहीं है। और मैंने हेयर खुद से काटे और मुझे अपने हाथ से हेयर काटना बहुत अच्छा लगता है खुद से, क्योंकि बढ़ते मेरे हाथ से। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइस, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।